रिसेंटली मेडिकल साइंस के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। लैब्स के अंदर इन्होंने ब्रेन को ग्रो करवाना शुरू कर दिया और इनको ट्रेन भी करवाना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट्स मेक स्ट्राइड्स इन मिनिएचर ब्रेन रिसर्च। Breakthroughs in mini brains offer insights into neurological disorders. Researchers have achieved significant advancements in mini brain technology. छिपकली के अंडे इतने छोटे इन मिनी ब्रेन्स को देखो जिनको लैब्स के अंदर ग्रो करवाया गया और जिन साइंटिस्ट ने इनको बनाया उन्होंने इसको ट्रेन भी किया है। 8 मेल वॉइसेस के 240 डिफरेंट वेरिएशंस इनको सुनवाए गए थे और उसके बाद 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद ये इजीली उन 240 वेरिएशंस को पहचान रहे थे 80% एक्यूरेसी के साथ। आप मैथ्स में अच्छे नहीं है या आप आइंस्टाइन जितने जहीन बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट जितने जहीन बनना चाहते हैं, आप अपने क्लास के वो बच्चे हैं जो कि बाकी सबसे कम है, तो आप जीनियस बन सकते हैं। इन मिनी ब्रेन को अगर आप अपने ब्रेन के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपको इनको ट्रेन करना होगा और थोड़े ही दिनों की ट्रेनिंग के बाद आप उतने ज्यादा जीनियस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम समझेंगे ये मिनी ब्रेन्स आखिर बनाए कैसे गए, इनको ट्रेन कैसे करना है और ये आपके ब्रेन के अंदर इंस्टॉल कैसे किए जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग सोच कर देखें कि ऑलरेडी हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है और इस इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग की बुनियाद के ऊपर ही हम डेली के काम कर पा रहे हैं, राइट। हम बाइक से इन मिनी ब्रेन्स को अपने ब्रेन के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारे स्कल के साइज को एक्सपेंड करना होगा, वो नहीं हो सकता, और इसकी जगह हम अपने ब्रेन के कुछ पार्ट को अगर मिस कर देते हैं तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इन मिनी ब्रेन्स को अपने ब्रेन के अंदर जगह देना चाहते हैं तो हमें अपने ब्रेन के कुछ पार्ट को सेक्रीफाइस करना होगा और साथ में क्या उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन और इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी को भी सेक्रीफाइस करना होगा। क्वेश्चन के आंसर को एनालाइज करने से पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि साइंटिस्ट ने आखिर इन मिनी ब्रेन्स को ग्रो क्यों करवाया। यार आप लोगों ने कभी ये सोचा क्यों नहीं कि हम ब्रेन ट्रांसप्लांट को अगर इजी कर लें और इसके काबिल हो जाएं तो हम अपनी बहुत सी मुश्किलात का हल निकाल सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं आज लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट बहुत ही इजी हो चुका है, अगर हम ब्रेन ट्रांसप्लांट करना शुरू कर दें तो क्या होगा। होगा ये कि एक इंसान जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल की है वो ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर की वजह से मरने वाला है, हम उसकी जान बचा सकते हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी पूरी लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है स्ट्रोक यानी फालिज या फिर एपिलेप्सी की वजह से, मिर्गी की वजह से, शिज़ोफ्रेनिया की वजह से, डिमेंशिया की वजह से, पार्किंसन की वजह से, अल्जाइमर डिजीज की वजह से और दीगर और ब्रेन की प्रॉब्लम्स या बीमारियों की वजह से उसकी पूरी लाइफ कम्प्रोमाइज हो चुकी है, हम उसकी लाइफ को ठीक कर सकते हैं ब्रेन ट्रांसप्लांट करके। ब्रेन ट्रांसप्लांट करने के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ब्रेन को जैसे ही आप ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालते हैं वो डेड होना शुरू हो जाता है, उसके न्यूरॉन्स मरना शुरू हो जाते हैं और उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस हैं जो कि उसको जिंदा रख रही हैं वो भी डेड होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से डेड ब्रेन हमारे किसी काम का भी नहीं होने वाला। साल 2013 के अंदर ऑस्ट्रिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने पहली बार स्टेम सेल से न्यूरॉन्स को यानी ब्रेन्स को मुतारिफ करवा लिया था, बना लिया था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने ह्यूमन बॉडी से स्टेम सेल्स को बाहर निकाला। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये बताता हूँ कि स्टेम सेल आखिर क्या है। पहली बार 1998 के अंदर मैथ्यू और मार्टिन ने मुतारिफ करवाया था। ये ऐसे सेल्स हैं जो कि बॉडी के अंदर किसी भी सेल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं इजीली, यानी इन स्टेम सेल्स के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो ब्लड सेल्स के अंदर, हार्ट के सेल्स के अंदर, न्यूरॉन्स यानी ब्रेन के सेल्स के अंदर और स्किन के सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। और ये बॉडी के अंदर इस तरह से काम करते हैं जब भी कोई इंजरी होती है या आपके ऑर्गन का कोई भी सेल मिस होता है तो ये स्टेम सेल उसकी जगह ले लेते हैं। यानी अगर आपको चोट लगी और आपके स्किन के सेल्स डैमेज हुए हैं तो आपकी स्किन के एरिया के पास मौजूद स्टेम सेल्स उन स्किन सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि मिस हो चुके हैं। ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट ने इसी चीज को यूज किया, उन्होंने ह्यूमन बॉडी से स्टेम सेल्स लिए, स्टेम सेल्स को पेट्री डिश के ऊपर डाल दिया, साथ में ब्लड चाहिए था यानी न्यूट्रिशन चाहिए थी। अब उन्होंने न्यूट्रिशन के लिए एक ऐसा सीरम बनाया जो कि ब्लड से मेल खाता था, उसको भी पेट्री डिश के ऊपर डाल दिया। साथ में उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जो कि ग्रोथ फैक्टर जो कि आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है और आपके स्टेम सेल्स को कन्वर्ट कर देता है किसी भी सेल के अंदर। यानी आपके स्टेम सेल को अगर किसी भी बॉडी के सेल के अंदर कन्वर्ट होना है तो उसको ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होगी और अगर आपके स्टेम सेल्स को नोकिन नाम का ग्रोथ फैक्टर मिल जाता है तो नोगिन इसको कन्वर्ट कर देगा न्यूरॉन्स के अंदर या ब्रेन सेल्स के अंदर। तो उन्होंने इन नोगिन नाम के ग्रोथ फैक्टर को उस पेट्री डिश के ऊपर डाल दिया जिसके अंदर स्टेम सेल्स मौजूद थे और अब इन्होंने एक खास टेम्परेचर दिया ओवन के जरिए और उनको ओवन के अंदर 2 दिन की देरी के लिए रख दिया। काफी सारे स्टेम सेल्स मर चुके थे और उनमें से जो बाकी थे वो कन्वर्ट हो चुके थे न्यूरॉन्स के अंदर या ब्रेन सेल्स के अंदर। यहाँ पर साइंटिस्ट ने कुछ और देर के लिए ओवन के अंदर इन स्टेम सेल्स को छोड़ दिया और उसके बाद जब देखा तो इनका साइज ड्रास्टिकली बढ़ चुका था। अब ये
ये स्टेम सेल्स न्यूरॉन्स की बजाय और ज्यादा कन्वर्ट हो चुके थे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे कि आपके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो चुके थे। अब यहाँ पर ये मिनी ब्रेन तो बन चुके थे, लेकिन अभी भी हम इन मिनी ब्रेन से ना ही कनेक्ट कर सकते थे, ना ही हमें ये पता चल रहा था कि ये मिनी ब्रेन सोच क्या रहे हैं हमारे ब्रेन की तरह, इनके ब्रेन के अंदर प्रोसेस क्या हो रहा है, आखिर क्या इनकी कैपेबिलिटीज होने वाली है। तो इस चीज के लिए हमें एक ऐसा कनेक्शन कायम करना था, ये मिनी ब्रेन इजिली कनेक्ट हो सके हमारे किसी भी सिस्टम से, कंप्यूटर से, और उस तरह से हम इनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को और इनकी कैपेबिलिटीज को जान सके। तो इस चीज के लिए साइंटिस्ट ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक बनाया माइक्रोचिप, जिसको ब्रेनोवेयर का नाम दिया गया। ये माइक्रोचिप कनेक्ट करवा सकता था इन मिनी ब्रेन को कंप्यूटर से या किसी भी सिस्टम से। अब यहाँ पर ये चीज बहुत ही ईजी हो चुकी थी कि हम इन मिनी ब्रेन तक कोई भी मैसेज इजिली कन्वे कर सकते थे और इनका इंटरप्रेट हुआ मैसेज हम इजिली वापस रिसीव कर सकते थे और उसको डीकोड करने के बाद एनालाइज कर सकते थे। साइंटिस्ट ने ऐसा ही किया। इसके बाद इन मिनी ब्रेन को टेस्ट करने का टाइम आता है, तो इन मिनी ब्रेन को टेस्ट करने के लिए, इनकी कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट डिफरेंट तरह की 8 मेल वॉइसिस को लेते हैं और ऑडियो वॉइसिस को इन मिनी ब्रेन तक भेजते हैं कोड्स की सूरत के अंदर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की सूरत के अंदर। उन माइक्रोचिप से गुजरती हुई ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जब नर्व इम्पल्सिस के अंदर चेंज होती है और इन मिनी ब्रेन तक जाती है, तो वो उसको 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद बिल्कुल याद करना शुरू कर देते हैं और स्टोर करना शुरू कर देते हैं। 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद साइंटिस्ट दोबारा से उन 8 मेल वॉइसिस के 240 वेरिएशंस बनाते हैं और उन 240 वेरिएशंस को इनको दोबारा से भेजते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जो रिजल्ट थे वो बहुत ही शॉकिंग थे कि ये मिनी ब्रेन इजिली 80% एक्यूरेसी के साथ उन आवाजों को मैच कर रहे थे। यानी कि नई भेजी जाने वाली आवाज अगर पहले से मौजूद 8 मेल वॉइसिस को मेल खाती थी तो एक सेम तरह का पैटर्न बनता था, और अगर मेल नहीं खाती थी तो डिफरेंट तरह का नया पैटर्न बनता था। दिस सक्सेस वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर द साइंटिस्ट। आप लोग खुद सोच कर देखें कितनी खुशी की बात होगी साइंटिस्ट के लिए कि इन मिनी ब्रेन को वो ट्रेन कर रहे थे और वो इजीली ट्रेन होते चले जा रहे थे, यानी उनको एक मेल वॉइसिस के 10 डिफरेंट वेरिएशन सुनवाए जा रहे थे ऑडियो क्लिप्स की सूरत के अंदर, और वो मिनी ब्रेन अपने डाटा बेस के अंदर उन मेमोरी को स्टोर करते थे और उसके बाद उनको मैच करने के बाद कंप्यूटर के ऊपर एक सेम तरह का पैटर्न शो करते थे। सेम तरह की कैपेबिलिटी आपके ब्रेन के अंदर भी मौजूद है। हम लोग देखते हैं कि अगर हम अपने घर के एक बंद कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और बाहर कोई भी हमारे घर में से बोल रहा है, तो हम फौरन से पहचान लेते हैं कि ये हमारे घर का कौन सा फर्द बोल रहा है, क्योंकि हमारे ब्रेन के डेटाबेस के अंदर जो मेमोरी स्टोर है वो उससे मैच करती है और हमारा ब्रेन हमें ये पैगाम देता है कि ये वाला इंसान बोल रहा है। अब अगर आप लोग अपने छोटे से दिमाग के ऊपर थोड़ा सा जोर दें तो आप लोगों को याद आएगा कि अलेक्सा और सीरी भी इसी मॉडल के ऊपर काम करते हैं। अलेक्सा और सीरी को अगर आप लोगों ने कभी यूज किया हो तो आईफोन की सीरी के अंदर आपको पहली बार अपनी वॉइस को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए स्टोर करवाना पड़ता है, और उसके बाद फ्यूचर के अंदर आप सीरी को कोई भी कमांड देते हैं तो वो आपकी आवाज पहचानने के बाद उसको प्रोसेस करेगा और आपको जो भी काम करना होगा वो करके देगा। यार अगर अभी भी आप लोगों को इन मिनी ब्रेन के पोटेंशियल की समझ नहीं आई तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको और ज्यादा आसान कर दूं। हमारी जो सेंसेस हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी से मिमिक कर रही हैं और साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसी वजह से इसको ऐसा बनाया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि माइक्रोफोन्स जो हैं सिंपल से वो हमारी हेयरिंग की पावर से मिमिक करते हैं, हम जो भी बोलते हैं वो उसको सुनते हैं, सुनने के बाद उसको ऑडियो के अंदर कन्वर्ट करते हैं और हमें आउटपुट डाटा मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो क्लिप्स। जो देखने की कैपेबिलिटी है उससे हमारी वीआर ग्लासेस और वीआर कैमरास जो हैं वो इजीली मिमिक कर रहे हैं, और इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारा जो टच सिस्टम है, हमारा जो छूने का एहसास का सिस्टम है, वो इजीली मोबाइल फोन्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, गाड़ियों के दरवाजों के अंदर और इवन के घर की खिड़कियों के अंदर भी आज इस तरह के सिस्टम बनाए गए हैं कि आप छुएंगे तो उस खिड़की को पता होगा कि ये स्पेसिफिक इस इंसान ने छुआ है। लेकिन आज भी यहाँ पर दो हमारे पास ऐसी सेंसरी पावर्स हैं जो टेक्नोलॉजी से मिमिक नहीं कर पाई। एक हमारे पास सूंघने की पावर है और दूसरी टेस्ट की। ये बात आप लोगों के दिमाग के अंदर घुसना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए मुझे आप लोगों को एक और एक्सपेरिमेंट समझाना होगा। 2021 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके अंदर एक साइंटिस्ट ने एक नकली नाक और एक नकली जबान बनाई थी। अब यहाँ पर इस नकली जबान के अंदर ये कैपेबिलिटी रखी गई थी कि ये इजीली बता सकती थी टेस्ट चीजों का, यानी कि अगर किसी चीज के अंदर ग्लूकोज की क्वांटिटी ज्यादा होती थी तो ये बताती थी कि वो चीज मीठी है, और अगर किसी चीज के अंदर नाइट्रोजन की तादाद ज्यादा होती थी तो ये बताती थी कि ये चीज कड़वी है। तो इस तरह से साइंटिस्ट ने कहा कि अगर हम इस नकली जबान को या नकली नाक को, जिसके अंदर सूंघने की पावर है और स्मेल करने की पावर है और साथ में चखने की, टेस्ट करने की पावर है, अगर हम इसको जोड़ देते हैं इस ब्रेनोवेयर सिस्टम से, यानी इस मिनी ब्रेन से और एक वायरलेस सिस्टम से, तो ये आपके ब्रेन के अंदर इंस्टॉल होने के बाद आपको घर बैठे
आपके मोबाइल फोन के ऊपर सुंघाने की कैपेबिलिटी भी रखेगा और टेस्ट करवाने की कैपेबिलिटी भी रखेगा। आपके मोबाइल के अंदर वायरलेस सिस्टम और आपके ब्रेन के अंदर इंस्टॉल्ड वायरलेस सिस्टम आपको इस काबिल बना सकता है कि आप किसी भी ऑनलाइन जगह से आप कोई परफ्यूम सिलेक्ट करते हैं, उसको परचेज करते हैं और अपने मोबाइल फोन को वायरलेस सिस्टम के करीब लेकर जाते हैं, तो आपका ब्रेन इस चीज को सेंस करेगा कि उस स्पेसिफिक परफ्यूम के नोट्स और फ्रेग्रेंस की स्मेल कैसी होने वाली है। तो आप यहां से घर बैठ के अब ऑनलाइन चीजों को सूंघ भी सकेंगे और टेस्ट भी कर सकेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चीज का पोटेंशियल कितना ज्यादा है, साइंटिस्ट को पता है कि हम इसके अंदर टेक्नोलॉजी की भी बहुत ज्यादा ऊपर लेकर जा सकते हैं, साथ में हम बहुत सारी बीमारियों को भी ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इन मिनी ब्रेन्स का जो साइज है वो बहुत ही छोटा है। दूसरे नंबर पर इनके अंदर मौजूद जो डाटा है वो बहुत ही कम स्टोर हो सकता है क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है। मिनी ब्रेन्स की इस पोटेंशियल को देखते हुए साइंटिस्ट ने 2021 के अंदर एक और रिसर्च की, जिसके अंदर उन्होंने चूहों के ऊपर रिसर्च की और इन मिनी ब्रेन्स को चूहों के ब्रेन के अंदर इंस्टॉल कर दिया। और उसके कुछ अरसे के बाद इन्होंने दोबारा देखा, ब्रेन को एनालाइज किया, पता चला कि चूहों के ब्रेन के अंदर वो मिनी ब्रेन्स बिल्कुल मर्ज हो चुके थे और उन्होंने एक न्यू न्यूरल कनेक्शंस और साइनेप्सिस बना लिए थे चूहों के ऑलरेडी ब्रेन के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स के साथ। और इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि मिनी ब्रेन्स को इंस्टॉल किया गया इन चूहों के ब्रेन के अंदर। तो यहाँ पर अगर फ्यूचर के अंदर साइंटिस्ट के ऊपर मजीद रिसर्च करते हैं और इसको इस काबिल बनाते हैं कि इजीली बगैर नुकसान के ये लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, इसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है और इंटरेस्टिंग लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर हिट कर दें।